यहाँ आगरे किले से सामने जस्ट सामने का दीदार कीजिए आप लोग। इसको करने से डब करने से देखो आवाज आ रही है, देख रहे बहुत ही। देखो मैं बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूँ आगरा के किले से। आप ये जो देख रहे हैं ये चारों तरफ खाने दिख रहे हैं, ये खाने चारों तरफ में दिखा दीजिए आप कैमरा से दिखा दीजिए। ये चारों तरफ खाने हैं और ये खाने इसलिए बने हैं कि यहाँ पे शाम को ये आपका आगरा का किला। इस आगरे के किले को अकबर ने निर्माण करवाया था, बहुत ही अच्छा बनाया। हेलो सर, हेलो साथियों, अब हम लोग आगरा के किले में पहुंच चुके हैं। आगरा के किले के अंदर प्रवेश करने वाले ये आगरा का किला है, इसके बारे में विधिवत आपको दिखाएंगे आपके YouTube चैनल जयवीर सिंह माथी पे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आखिरी तक वीडियो देखें तो आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। ये आगरा का किला है, दिखाइए पूरा फ्रंट दिखाएं आप। बहुत ही बड़ा बना है, फाइनली हम लोग आ गए आगरे के किले के अंदर। हम लोग पहुंच गए हैं और आपको हर एक चीज़ आपको दिखाया जाएगा। बहुत ही ऊंचा बना है और ये हमारे सर बस 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 देखते रहिए हर एक चीज़, मजाक भी साथ और आपका पर्यटन स्थल भी चढ़ाई है काफ़ी ऊंची है ना, काफ़ी ऊंचाई पर बना है। आगरे का किले का दरवाजा कितना बड़ा है ये देखो। फाइनली हम लोग आ गए आगरा फोर्ट किले के अंदर। फोर्ट मतलब किला होता है ये आगरे का किला, और मैं आपको हर एक जानकारी दूंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना आप लोग। ये है बाबरी दीवाने आम, इसको बाबरी दीवाने आम बोला जाता था। देख सकते हैं इसके अंदर गहराई बहुत ही ज़्यादा है, आपको गहराई भी दिखाई जाएगी। ये देख ली आप, देखो अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई है। ये हमें लगता है इधर से साइड से नदी का पानी आता है इसमें। बहुत ही बड़ा कुआं है जिसका नाम है बावली दीवान आम, स्टेपवेल दीवान आया हूँ।
ये है दीवाने आम। इसके बारे में देखो पूरा लिखा है। और मैं दीवाने खास। और ये इसका अंदर की ओर प्रवेश करते हुए अंदर की ओर जाते हुए यह दीवाने खास। ये देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, रेडी, आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, दिखा रही है, आप दिखाता हूँ कुछ। आप यहाँ से डायरेक्टली लाल किले से, सॉरी आगरे के किले से डायरेक्ट आप ताजमहल की दीदार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आपको मैं पास लेके चल रहा हूँ, आइए आप लोग। ये सभी दरवाजे लॉक हैं। एक ये है, एक ये है, बहुत सारे हैं। चारों तरफ से देखो पॉइंट ऑफ व्यू एक नंबर का है। आपको हम ये दिखाते हैं इसके बारे में पूरी इसकी हिस्ट्री। और इंग्लिश में पढ़ने वालों के लिए ये ठीक है। आपको मैं बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आगरा के किले से। आप ये जो देख रहे हैं ये चारों तरफ खाने दिख रहे हैं, ये खाने चारों तरफ हैं। दिखा दीजिए आप कैमरा से, दिखा दीजिए, ये चारों तरफ खाने हैं। और ये खाने इसलिए बने हैं कि यहाँ पे शाम को इस किले से चारों तरफ मसाल जलाई जाती थी। जब अंधेरा हो जाता था तो यहाँ पे मसाल जलाई देती थी, क्योंकि तब लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट की तब व्यवस्था थी नहीं, मसाल जलाई जाती थी। और इससे तुमको मैं बेहद बहुत अच्छा नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ आगरे किले से सामने। जस्ट सामने का दीदार कीजिए आप लोग, क्योंकि यहीं से ताजमहल का दीदार करते थे वो। बेहद ही खूबसूरत बना है। गजब का नजारा देख लीजिए आप थोड़ा सा। और एक सबसे बहुत ही अच्छा गजब का ताजमहल दिख रहा है। आते फोटो उधर से बाहर निकलने షాజహాన్ పీరియడ్ మీటింగ్ కోసం వైట్ మార్బల్ సీలింగ్ ఎక్స్టెండ్ మోడిఫైడ్ బై షాజహాన్ आगे।
गजब का, बहुत ही बेहद नज़ारा। ये आगरे के किले के अंदर का पूरा दृश्य है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। मैं आपको हर एक जानकारी दे रहा हूँ और अच्छा से अच्छा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये आगरे के किले के अंदर है, आप लोग देख सकते हैं कितना ही अच्छा नज़ारा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करके ज़रूर ही जाना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, आप लोग बताएं कमेंट में करके। ये ख़ास महल, इसमें कुछ तो ख़ास बात होगी। ख़ास इसका नाम है ख़ास महल। देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा है। कहीं से जाते कहीं निकलते हैं। तो सामने दिख रहा ताजमहल। करने से डब्बा भरने से देखो आवाज आ रही है, देख रहे हो बहुत ही। देखो देखो हेलो हेलो हेलो, देख रहे हो कोई भी आवाज गूंजती है यहाँ पे। एक बंद खाने में हेलो आपको बता रहा था, देखिए और ये क्या है इधर, बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे और पता नहीं क्या है। इधर से ऊपर कुछ दिख रहा है, इतना बना है ना कि आदमी क्या बताऊँ भ्रमित ही हो जाए। और चलिए देखते हैं किधर से निकलना है। आइए सर, ये देखो कितने तो रास्ताएं हैं यहाँ पे। मनाने वाले की तारीफ है भाई। ना बना था ना बन पाएगा। इसकी बात ही कोई दूसरी थी। इसमें क्या है, हर एक जगह से ताजमहल दिखता है कि जहाँ भी शाहजहाँ जाते थे वहाँ से देखते थे हम ताजमहल की। इसके लोग ताजमहल को थोड़ी सी इंग्लिश में बात कर लिया जाए। एक मिनट एक मिनट,
डिजाइन किया, कैसे बनाया, वो स्टोरी है, बनाने की स्टोरी है।